क्योंकि चीन में अब केसेस कम हुए हैं, तो लोगों के मन में एक ही सवाल है, कोरोना की दवा कब तक बन जाएगी या कब तक बना लेंगे हम और कब तक आ जाएगी मार्केट में? कोरोना के ऊपर ऑलरेडी काफी नॉट ओनली चाइना में बल्कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस और इंडिया हर जगह पे जो भी रिसर्च सेंटर है वो हर जगह पे काम चल रहा है। बट चाइना की रिस्पॉन्स हम जो मेडिसिन एंटी काफी चल रहा है और जो है पोर्टफोलियो सेम जो रिसर्च सेंटर सेंटर जो ऑस्ट्रेलिया की है वो लोग भी उसका यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने डॉक्टर चौबे, मैं आपसे माफी चाहूंगा, काम कर अगर आप अभी जो आप बोल रहे थे उसका पिछला 20 सेकंड का हिस्सा एक बार फिर से बता दें, क्योंकि आपका ऑडियो चला गया था, आवाज साफ नहीं आई। अच्छा, पैंडेमिक का सिचुएशन है खासकर अमेरिका में और उसके बाद इटली में और जर्मनी और यूके वगैरह में लेवल पे जो पेशेंट ट्रीट हुए हैं वो मैक्सिमम जो हुए हैं वो आपको उनकी एचआईवी मेडिसिन से ज्यादा हुए हैं, फिर जो उस पर क्योर रेट है 90% है, जो ऑस्ट्रेलिया भी जो है उसी पे ही वो वर्कआउट कर रहा है। ये कौन सी दवा है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? एंटी एचआईवी मेडिसिन। लेकिन सर अगर ये दवा असर कर रही है तो भी इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? फिर इसका मतलब हर किसी के शरीर पर असर नहीं कर रही क्या? डिपेंड करता है सर, ये इस पे डिपेंड जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है, तो ये चाइनीज में तो काफी अच्छा काम कर गया है बट जो कोकेशन है उनमें शायद उनका खान पान और उनके जो इम्यूनिटी सिस्टम है और जो हो सकता है कि उसको उतना इफेक्टिवली वर्क ना करें, क्योंकि एक स्टडी ये भी आई है कि बाकी कंट्रियों ने भी ट्राई किया जो पेशेंट्स ट्राई हैं उनमें सिर्फ 61% ही रिकवरी रेट देखी गई है एज कम्पेयर टू सेम मेडिकल। तो ऐसे में सर ये जो दवा आप बता रहे हैं इसको पुख्ता दवा तो नहीं मान सकते, किसी पर असर दिखाएगी किसी पर नहीं दिखाएगी। फैबिपिरावीर बोलते हैं, फैबिपिरावीर जो है यहाँ पे यूज किया गया था जो 91% सेंसिटिविटी के साथ आया था और उसके अलावा जो है आपको फैबिपिरावीर जो है अच्छा खासा काम करता है लंग्स में बट ओकेशंस में यूज किया गया तो सिर्फ 61% ही मतलब उसका हमें थोड़ा सा। ठीक है डॉक्टर गौरव शर्मा, आपके हिसाब से कोरोना की दवा अगर हम बात करें तो वो कितनी दूर है और क्या जो आयुर्वेदिक हिस्सा है भारत में जिसको लेकर इतना शोध हुआ है उसके जरिए कोई दवा ढूंढी जा सकती है क्या? जी जरूर सुशांत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा अभी डॉक्टर चौबे ने बोला कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट इस कोरोना वायरस के संक्रमण के शरीर में किस तरह से डेवलप होता है डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी किस तरह की है, तो हर व्यक्ति का इम्यून प्रोफाइल जो है वो एक बहुत मेजर और अहम रोल अदा कर रहा है और इसी को चलते हुए आयुर्वेद जो हमेशा से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के ऊपर जोर देता रहा है, तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं उसके ऊपर काम करता है। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली हाल में ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी इशू की है जिसमें यही इसी चीज़ पे फोकस किया गया है कि जो इम्यून प्रोफाइल है पर्सन्स का उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए और ऐसे बहुत सारे साधनों का उपायों का उसमें वर्णन है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और ये ऐसा नहीं है कि जो सरकार ने भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है वो जस्ट एक हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है, हमने बहुत सारे साइंटिफिक अध्ययनों से रिसर्चेस से भी पता किया है कि किस तरह से ये औषधियाँ शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है। तो वो कौन सी औषधियाँ? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, च्यवनप्राश का भारत सरकार ने मेंशन किया च्यवनप्राश का कि सुबह एक 10 ग्राम के करीब च्यवनप्राश का सेवन करें इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो डाबर रिसर्च विंग ने इसके ऊपर कई सालों से शोध और अनुसंधान किए हैं और ये पाया है कि जो इम्यून प्रोफाइल को दर्शाने वाले पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर इनका कैसे असर होता है। अब जैसे इन विट्रो मैकेनिज्म में हमने ये पाया है कि जो डेंड्रिटिक सेल रिलेटेड
साइटोकाइंस होते हैं उनके अपरेगुलेशन में च्यवनप्राश का बड़ा एक अच्छा रोल है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इम्यून प्रोफाइल को शरीर के बढ़ाने के लिए। तो हमारे शोधों में, हमारे अनुसंधानों में पता लगा है कि टीएनएफ अल्फा पे, इंटरल्यूकिन वन बीटा पे, एमआईपी वन बीटा वन अल्फा पे जो च्यवनप्राश है उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। अपरेगुलेशन करता है और शरीर के इम्यून प्रोफाइल को मॉड्यूलेट करता है। इसी तरह और हमने कई तरह के अच्छा, अनुसंधान लेकिन करें, आगे ऐसा नहीं बढ़िए है उससे पहले ये बताइए डॉक्टर कि शर्मा तरह से उसको कि नहीं अगर आप करता कह है। रहे हैं कि च्यवनप्राश जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने में जी बहुत अहम किरदार निभाता है और इसको इसकी बकायदा आपने डाबर के लैब में रिसर्च भी की है, तो अगर मान लीजिए मैंने आज तक च्यवनप्राश नहीं जी खाया और अब मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश खाना शुरू करता हूँ जी तो उसका असर दिखने में कितना वक्त लगेगा फिर? देखिए, ये भी ना हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर बहुत जल्दी असर आ जाता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें थोड़ा लंबे समय तक निरंतर सेवन करना पड़ता है। परंतु इस अवस्था में जब हमारे पास कोई श्योर शॉट इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो जितनी जल्दी इन चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दें उतना ही बेहतर होगा। उतनी ही जल्दी शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको सपोर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि 100% ही हो, बट इस समय इन प्रयोगों को इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसके अलावा अभी कोई और हमारे पास श्योर जी शॉट मेडिसिन नहीं है।